दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन का एक महीना से ज्यादा का वक्त पूरा हो गया है, लेकिन बृजभूषण भी अब आक्रामक हो गए हैं। नमस्ते, मैं राशिद। नया बयान सामने आया है, बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष, हालांकि मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अध्यक्ष मैं अभी भी हूं, लेकिन टेक्निकली वो पूर्व अध्यक्ष हैं। कैसे आगे समझाऊंगा आपको। बृजभूषण सिंह ने पहलवान विनेश फोगाट को बता दिया मंथरा। उन्होंने कहा रामायण में जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कई ने रोल प्ले किया था, वैसे ही विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर के आई हैं। उन्होंने कहा पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार तीन पति और तीन पत्नी हैं और सातवां कोई नहीं है। जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकई को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद में विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे। एक बार ये बयान सुनिए आप। मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन कर के आए। ये मेरे लिए मंथरा बन कर के आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार तीन पति तीन पत्नी, तीन पति तीन पत्नी, सातवां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे, जब इसका पूरा का पूरा परिणाम आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, मंच पर बैठे हुए सारे प्रमुख जिला पंचायत सदस्य, मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है और ये केवल किसी चर्च के लिए नहीं। बृजभूषण सिंह का बयान आपने सुना। पहलवान अब ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को जिस दिन नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन होगा, इसका घेराव करेंगे। खाप वाली ये कह रहे हैं दिल्ली को घेरने का प्लान बनाएंगे। किसान नेता भी कहीं हैं जो ये कहते हैं कि दिल्ली को कर देंगे ब्लॉक, हुक्का पानी बंद कर देंगे। इसका मतलब यह है कि अब आगे आने वाले दिनों में, अगले लगभग 5 से 6 दिन गर्मी ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं तापमान वाली तपिश की बात नहीं कर रहा, मैं पहलवान और बृजभूषण की लड़ाई की तपिश की बात कर रहा हूं। नमस्ते।